एंड नमस्कार सबको। आज का एक गुड न्यूज ये है कि मैंने कल रात 1:30 बजे तक एक एग्जाम दिया। ठीक है, बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, फाइनली मैं उस एग्जाम को पास कर लिया। ये जीएस कलर का ही है। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, बहुत सारा सेट्स है इस क्वेश्चन का। 5 6 6 बार टाइम अटेम्प्ट लिए मैंने पिछले कुछ दिनों में, रात में बैठते थे, कल जाके फाइनली हुआ है। ठीक है, इसका जितना भी क्वेश्चन है मैं आगे करता जाऊंगा, मतलब जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर का किया इसका भी करूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को सब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और आज का टॉपिक हम लोग करेंगे यूआरएल फिल्टरिंग एंड क्लाउड ऐप कंट्रोल। तो इसमें देखिए, मैं थोड़ा अपने आप का चौपर ही रख लेता हूँ, ज्यादा काम तो है नहीं मेरा। यूआरएल एंड क्लाउड ऐप कंट्रोल, अगर आपको देखना है कहाँ है यूआरएल एंड ऐप कंट्रोल पॉलिसी में है। ठीक है, पॉलिसी को आप व्यू कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट कुछ पॉलिसीज हैं। ठीक है, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते इसको। ठीक है, मतलब मेरे सिनेरियो में पॉलिसी, एडवांस पॉलिसी सेटिंग्स कुछ है। ठीक है, एक दो करके हम लोग सब चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है। आगे आगे तो डॉक्यूमेंट, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। द यूआरएल फिल्टरिंग पॉलिसी कंटेंट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन व्हेन यू ऐड अ रूल, यू स्पेसिफाई क्राइटेरिया सच एज यूआरएल का कैटेगरी होते हैं। देखो लिखा है कैटेगरी, कैटेगरी मतलब सोशल मीडिया, जिसमें सारे हम लोग सोशल मीडिया करते हैं, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम, ये सब लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अगर अकाउंट का कोई साइट है, चाइल्ड अब्यूज कोई साइट है, पोर्नोग्राफी जो साइट, ये साइट्स है, उसको एक कैटेगरी, एक कैटेगराइज कर दिए इन लोगों ने। जिन जो आप प्रोडक्ट खरीदोगे, जिस कलर खरीदो, पालो ऑल्टो खरीदो, फोर्टिनेट खरीदो, चेक पॉइंट खरीदो, दे हैव कैटेगराइज दिस ग्रुप्स, उनको ग्रुप में डाला है। अभी तो हम लोग ग्रुपबाजी करते रहते, चलिए देयर आर नॉट डिफरेंट पार्ट। तो वो हो गया यूआरएल कैटेगरीज, यूजर्स, ग्रुप्स, डिपार्टमेंट, लोकेशंस, किस बेस पे आप यूआरएल फिल्टरिंग को यूज करोगे, टाइम इंटरवल के। सोचो किसी ने बोला कि भाई मेरे ऑफिस में ना लंच टाइम में फेसबुक अलाउ कर दे, तो पहले होता था, अभी तो सबके पास इंटरनेट है विद द हेल्प ऑफ जियो का। तो जो भी है, इस वजह से ये कैटेगरीज होके आपको यूआरएल फिल्टरिंग रिकमेंडेड पॉलिसी कैसे यूज करते हैं। अलाउ जेनरेट कंट्रोल फिल्टरिंग सर्विस यूआरएल इन टू द, देखो ये क्या हो, हायरार्की कैटेगरी, कोई सब सिंपल है, जो ऊपर है वो पहला आएगा, दूसरा तीसरा जैसा, जो सब जगह सेम होता है। अच्छा यहाँ पे बोला है, अगर आपको लर्न, बाय डिफॉल्ट यूआरएल ऐप कंट्रोल पॉलिसी टेकन प्रेसिडेंस ओवर द यूआरएल फिल्टरिंग पॉलिसी। अगर आप क्लाउड ऐप कंट्रोल पॉलिसी लगाते हो, ठीक है, उसमें आपने कह दिया फेसबुक अलाउ, और यूआरएल फिल्टरिंग पॉलिसी में जाके आपने कह दिया फेसबुक ब्लॉक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलाउ ही रहेगा। ठीक है, उस का मिटिगेशन भी है कि द सर्विस अप्लाई क्लाउड कंट्रोल पॉलिसी टू वेबसाइट बिफोर द अप्लाइंग यूआरएल फिल्टरिंग, टू चेंज द सेटिंग्स एंड हैव द सर्विस अप्लाई यूआरएल फिल्टरिंग पॉलिसी इवन इफ हैड ऑलरेडी अप्लाइड इन क्लाउड कंट्रोल पॉलिसी, गो एडवांस सेटिंग्स एंड इनेबल कास्केडिंग यूआरएल फिल्टर। एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद गो एडवांस सेटिंग्स, देखो ये एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पे कास्केडिंग बोल के एक ऑप्शन होगा, किधर है बापू। अच्छा कंप्लेंस है यहाँ पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर में एडवांस सेटिंग्स यहाँ पे हो सकता है, कास्केडिंग्स या वहाँ पे होगा, है कास्केडिंग सेटिंग्स सिक्स है। ठीक है, ये यहाँ पे शायद होगा, ये यूआरएल फिल्टरिंग, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कास्केडिंग दिख जाएगा। ठीक है, पॉलिसी यूआरएल फिल्टरिंग फाइल कंट्रोल इसके अंदर है क्या, देख लेते हैं एक बार, 2 मिनट का काम है। नहीं यहाँ पे भी नहीं है यूआरएल फिल्टरिंग, यहाँ पे ही एडवांस सेटिंग्स, यहाँ पे कास्केडिंग से इनेबल होगा, एडवांस फिल्टरिंग ऑप्शंस। ठीक है, सस्पिशियस डोमेन मैलिशियस इनेबल साइट कैटेगरीज एंड बोर्ड्स आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन ऑफिस 3। ठीक है,
अच्छा उसके लिए लाइसेंस चाहिए कि पता नहीं वो होगा, है वहाँ पे कोई ना कोई है। चाहिए देखो, कास्केटिंग्स एडवांस सेटिंग्स, गो टू एडवांस सेटिंग्स एंड इनेबल अलाउ कास्केटिंग योर फिल्टरिंग फॉर द व्हिच सर्विस एनफोर्स पॉलिसी इंक्लूड द एडवांस। अच्छा, यूआरएल फिल्टरिंग प्रोवाइड फॉलोइंग बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट देता है एक बार छोटा सा करके देख लीजिएगा। बेनिफिट्स जो कैटेगरी है सब ब्लॉक कर सकते हो, रिड्यूस नंबर ऑफ कैटेगरी डोमेन इनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईएमएल का मतलब हुआ, पता नहीं ईएमएल जो है बेस्ड का आर्टिफिशियल ईएमएल का मतलब हुआ मशीन लर्निंग, सॉरी मशीन लर्निंग। ठीक है, क्विक बेनिफिट न्यू डोमेन्स रजिस्टर ओवर, ऐसा कुछ क्विकली अगर कोई नया डोमेन रजिस्टर होता है। ठीक है, इसमें सोशल मीडिया जैसे हमारा कू हो गया, टेलीग्राम हो गया, जब जब उठा है तो उसको ये सोशल मीडिया में डाल देता है। तो ये हो गया ब्लॉक एंड कॉशन यूजर टू स्पेसिफाई एंड यूजर, ब्लॉक भी कर सकते हैं यूजर को नोटिफाई, हम लोग क्या कहते हैं अरे भाई उसमें मत जा, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। चल अच्छा, एसोसिएटिंग रूल विथ ईएनयू, अच्छा ईएनयू का फुल एंड यूजर नोटिफिकेशन पेज जो हम लोग अभी कह रहे हैं, यू कैन क्रिएट रूल दैट ब्लॉक और कॉशन यूजर एंड एसोसिएट विद देम द स्पेसिफाई ईएनयू। फॉर एग्जांपल यू मेंशन टू नेटवर्क दे हैव वेबसाइट होस्टेड ऑन ईएनयू, यू कैन क्रिएट टू डिफरेंट रूल। मतलब कि आपके पास एक यूजर एक यूआरएल है, तो आप एक दो बंदे उस यूआरएल को एक्सेस करेंगे, एक और नॉर्मल अलाउ करेगा, एक के लिए ब्लॉक आएगा और एक के लिए बोलेगा भाई तू यूज कर सकता है लेकिन उसमें तुझे यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे है, नीचे दिखाते हैं और कुछ नहीं है ज्यादा। ये देखो क्या लिखा है, द ईएनयू दैट यू स्पेसिफाई रूल टेक प्रेसिडेंस डिफॉल्ट ईएनयू दैट यू कॉन्फिगर द एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर नोटिफिकेशन पेज दे आर फॉर व्हेन यूजर इज ब्लॉक और वांट ड्यू टू रूल दैट इज एसोसिएटेड विद ईएनयू द सर्विस डिस्प्ले ईएनयू एसोसिएटेड विद रूल एंड नॉट डिफॉल्ट ईएनयू। देखो क्या द व्हेन यू कॉन्फिगर कब क्या क्या, जो तीन जो प्रोसेस है तो मैंने वही बता रहा है। अलाउ के लिए देखो, द सर्विस अलाउ एक्सेस यूआरएल सिलेक्टेड कैटेगरी, यू कैन स्टिल रिस्ट्रिक्ट एक्सेस बाय स्पेसिफाइंग डिले कोटा ऑफ बैंडविड्थ। अगर आपने किसी को यूट्यूब दे दिया तो उसमें भी आप बैंडविड्थ डाल के उसके अलग मतलब कमा सकते हो कि भाई सारा दिन साला यूट्यूब ही करेगा, थोड़ा बहुत काम भी कर रहे तो उसका बैंडविड्थ डाल के रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, अलाउ अगर कर भी देते हो। दूसरा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, व्हेन ए यूजर टाइम क्रिएट एक्सेस द सर्विस डिस्प्ले क्वेश्चन नोटिफिकेशन, यू कैन यूज द सिस्टम डिफाइन नोटिफिकेशन कस्टमाइज टेक्स्ट क्रिएट योर ओन नोटिफिकेशन डिस्प्ले। तो क्या करता है नोटिफिकेशन आए मत जा, नहीं सॉरी। ठीक है देखो, ये YouTube के एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई YouTube देखना है, ठीक है कंटिन्यू कर। कंटिन्यू करने के बाद आपको वो बोलेगा कि भाई यूजर नेम पासवर्ड, जैसे हम लोग क्या होता है ना, मैं जब ये पालो ऑल्टो फोर्टिनेट यहाँ पे खोलता हूँ तो हम लोगों को क्या 192 करके अगर हम ये कुछ देते, अभी मिलेगा नहीं यहाँ पे, हम लोगों को क्या आता है एडवांस करके फिर हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। सेम थिंग वहीं पे भी यही सॉरी सेम कंडीशन यहीं पे भी आपको कंटिन्यू करके आगे बढ़ना होता है। और ब्लॉक में देखो, सर्विस डिस्प्ले ब्लॉक नोटिफिकेशन यूजर कैन सिस्टम डिफाइन नोटिफिकेशन, उधर मत जाओ मत जा तो बोलना। ठीक है, तो उसमें आपको ब्लॉक देखो इमेज भी दे दिया कैसे ब्लॉक दे, अब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। आप लिख सकते हो प्लीज डोंट गो दिस साइड, ठीक है अगर आपको आता है ये गैम्बलिंग कर रहा है। अब एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू, यही ऑप्शन है देखो क्लोज। एडिशनली यू अलाउ सम यूजर और ग्रुप ओवरराइड ब्लॉक विद अलाउ ओवरराइड ऑप्शन, क्या आ रहा है ब्लॉक तो है ये लेकिन अलाउ ओवरराइड भी कर सकते हो। अगर किसी को गैम्बलिंग अपने पैसे को, जैसे अभी डीएल लॉटरी का है वेस्ट बंगाल में पता है सबको, 500 रुपया दिन में कमाता है, 300-400 रुपए का लॉटरी खरीद लेता। मैंने ऐसे भी इंसान को देखा है जो उधर ले लॉटरी खरीदता है लेकिन हर दिन उसको लॉटरी खरीदना है, किसी ना किसी दिन उसको करोड़पति बनना है। ठीक है, लॉटरी खरीद के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा कभी मत करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, काम करिए। चलिए सॉरी ज्ञान देने के लिए। कैन ऑल्सो यूज ग्रुप ऑफ ओवरराइड ब्लॉक, देखो जो ब्लॉक है उसको भी ओवरराइड आप कर सकते हो। यू कैन ब्लॉक स्टूडेंट फ्रॉम एक्सेसिंग यूट्यूब बट अलाउ द टीचर्स यूजर को, टीचर यूजर क्या हो सेम ही कह रहा हूँ, स्टूडेंट ग्रुप बनाओ तो भाई तुझे यूट्यूब नहीं देखने, सारे लोगों को दे दो यूट्यूब, अगर कुछ पढ़ना है
जो देखना है। टीचर आर प्रमोटेड टू एंटर देयर ओवर राइट पासवर्ड, वही है उस जन पासवर्ड दे दिए ओवर राइट पर, ठीक है। क्रेडेंशियल दे आर रिक्वायर्ड टू री ऑथेंटिकेट हुए इन द ट्राई टू एक्सेस द अनदर ब्राउजर, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ये देखो सेफ यहाँ पे दे रहा है, यू हैव द ओवर राइट, ये पासवर्ड ऐसा आएगा, आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। देन आइसोलेट क्या होता है, द सर्विस आइसोलेट दैट अलाउ यू टू यूआरएल टू सिलेक्ट कैटेगरी थ्रू द रिमोट ब्राउजर, ऑल द ट्रैफिक दैट यूआरएल कैटेगरी, वो आपको आइसोलेट कर देगा, जाने ही नहीं देगा, आइसोलेट कर देगा भाई, उसको आइसोलेट कर दे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अबाउट द यूआरएल फिल्टरिंग पेज, अभी यूआरएल फिल्टरिंग पेज में देखो क्या क्या है, कॉन्फिगर यूआरएल फिल्टरिंग, देखो सेम मैंने पिछली बार भी दोहराया, सेम है। रूल ऑर्डर, रूल नाम आपको देना पड़ेगा, एडमिन रैंक, रूल नेम, क्राइटेरिया, और जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया था वो है, ठीक है। आइसोलेट एक्शन ओनली अवेलेबल इफ यू हैव क्लाउड ब्राउजर आइसोलेशन सब्सक्रिप्शन, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, तो सब्सक्रिप्शन तो मेरे पास है नहीं बाबू, ठीक है। यूआरएल फिल्टरिंग, इसमें अगर आप एक पॉलिसी खोलो, सेम सब में देखो, इसमें ब्लॉक है, डिजेबल है, जो भी है देखो, आइसोलेशन के लिए अलग है पॉलिसी, ठीक है। देखो रूल ऑर्डर, रूल नेम, स्टेटस, यूआरएल कैटेगरी, सोशल मीडिया, यूजर नाम देना पड़ेगा, ग्रुप देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट, ये सब देना ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप यूजर दे सकते हो या ग्रुप दे सकते हो, ठीक है, डिपार्टमेंट दे सकते हो, ये दे सकते हो। लोकेशन, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कहीं पे भी दे दो, यूएस के लोकेशन, ग्रुप अगर कुछ है। अब कौन सा, देखो कंटेंट, डिलीट, गेट, हेडर ऑप्शन, ये सब सेम ही रहता है। टाइम इंटरवल, प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ठीक है, जो भी है सब सबको यूज करेगा वो, ठीक है। यूजर एजेंट अगर पूछा, डिवाइस, डिवाइस ग्रुप ना भी दोगे तो भी चलेगा, डिवाइस ट्रस्ट लेवल ना दो तो भी चलेगा। रूल, इसको एक्सटेंशन रूल क्या है, इफ यू वांट टू रूल वैल्यूड द स्पेसिफाइड टाइम, अगर कोई स्पेसिफाइड टाइम के लिए, एक्शन में ब्लॉक डालोगे, एलो ओवर आउट डालोगे, क्या डालोगे आपके लिए है वो अभी अभी बताए, ठीक है। अलाउ ब्लॉक ओवर राइड, इसमें क्या है, देखो ये अलाउ यूजर एक्सेस, क्वेश्चन को आपको बोलो है मत जा क्लियर, लेकिन वो जा सकता है, ब्लॉक में यूजर को ब्लॉक करोगे, आइसोलेट के लिए लाइसेंस चाहिए, और आपको ये अलाउ ओवर राइड के लिए यहाँ पे है, उसको एक यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, काम खत्म, क्लोज कर दो। तो यही इसने यहीं पे यही बताए हैं, और कुछ नहीं बताया, देखो वही जो है, यहाँ से जाके आपको रूल ऐड करना पड़ता है, और कुछ नहीं। बाकी आपको एक दो तीन जैसे क्रिएट करोगे, यहाँ से आप कॉपी में क्लिक करोगे तो यही रूल कॉपी हो जाएगा, फिर आप मॉडिफाई कर सकते हो, और इस रूल को एडिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। रूल लेवल एक्सपेंड ऑल सेम है, कुछ अलग नहीं है भाई लोग, फायरवॉल में जैसे पॉलिसी बनाते हो तो यहाँ पे भी सेम ही है, उसको एक पॉलिसी बनाना है, प्रोटोकॉल देना है। देखो ये एडवांस में है, ठीक है, ये सारे दिखा रहा है कहाँ से किया होगा। यूआरएल कैटेगरीज में क्या क्या आ रहा है, क्लाउड एप्लीकेशन कंट्रोल, देखो ये कहाँ पे है, एडवांस सेटिंग्स, अच्छा एडवांस सेटिंग्स में वेब एप्लीकेशन कंट्रोल, एलाओ कास्केटिंग, अच्छा, एडवांस सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, एडवांस सेटिंग्स नहीं है, बोला ना है कहीं नहीं, अब हर टाइम तो इंसान के दिमाग में सब कुछ नहीं, ये देखो ऑन है, इसको आपको अलाउ करना पड़ेगा, यहाँ पे दे भी रहा है क्या है इसमें, ठीक है पढ़ लीजिएगा एक बार, मैंने रखा है तो आई होप आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने देखा, देखो ये रूल ऐड कैसे करोगे, यूआरएल फिल्टरिंग में जाके ऐड करोगे, क्या देना है, रूल ऑर्डर, नेम, कुछ अलग लग रहा है, कुछ अलग नहीं है भाई, सब सेम है, यूआरएल कैटेगरी, डिपार्टमेंट, ग्रुप, लोकेशन, जो मैंने अभी अभी आप लोग को कहा सेम है। देखो ये यूआरएल कैटेगरीज, देखो आप क्या रहे ना, डी, ये सब बैटल, ये सब तो आपको बंद करना है, तो इसको डिसेबल करना है, ठीक है। इतना सारे, ये अगर नीचे रहो करोड़ों अरबों है, यहाँ पे नाम टाइप करके भी आप सर्च कर सकते हो, तो ये जो अभी दिखाया है, डीएनएस, टाइम ऑलवेज करोगे या शेड्यूल टाइम करोगे, आपकी मर्जी, ये सबसे अलाउ क्वेश्चन ब्लॉक ओवर राइड, देखो बैंडविड्थ, अब यहाँ पे बैंडविड्थ लिमिट भी डाल सकते हो, ये डिड इनेबल रूल एक्सटेंशन, ठीक है हो गया, उसके बाद सेव करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो दिया है रिक्वेस्ट मेथड गेट, ये सब ऑप्शंस हैं, कंटेंट डिलीट गेट हेडर ऑप्शन, ये थोड़ा पढ़िएगा, ये मुझे भी ज्यादा प्रॉब्लम, मैंने अभी इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है, ये सब डिलीट गेट हेडर ऑप्शन आधार पोस्ट पोर्ट ट्रैक, ये क्या है रिक्वेस्ट मेथड,
कैसे, अगर कोई इसको कैसे रिक्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, इसमें सबको सिलेक्ट करके देना होता है। देखो ये प्रोटोकॉल्स जो मैंने अभी दिखा रहा है, डीएनएस एचटीपी साफ प्रोटोकॉल अवेलेबल कर दो। ठीक है, ये रूल, ये देखो शेड्यूल टाइम अगर आपको देना है, कब, सॉरी इसको एक्सपायरेशन, मतलब इस रूल कब मर जाएगा, यहाँ पे सेट कर सकते हो। अलाउ क्वेश्चन ब्लॉक, अलाउ में क्या है, ठीक है, अलाउ ओवर राइड में क्या ऐसा आएगा, ये ब्लॉक के अंदर अलाउ ओवर राइड एनेबल होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन व्यू रिकमेंडेड। अच्छा, अब अगर आपको रिकमेंडेड पॉलिसी में देखना है, पॉलिसी यूआरएल पर, तो थोड़ा बाजू में खसक जाए बेटा, ये देखो रिकमेंडेड पॉलिसी, ठीक है, लिखा है उन्होंने कि ये रिकमेंडेड पॉलिसी है, ये रिकमेंडेशन में ही हर टाइम आपको जाना है, ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं है, इससे भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है अपन इसके बेस पे, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि रिकमेंडेशन के ऊपर ही चलना है, और आपके टीम से, सीनियर से, सॉक टीम से बात करके अगर कुछ डाउट्स हैं तो उसको जी स्केलर में पोर्टल में केस लॉक करके आप उससे बात कर सकते हो, कहाँ से है वो, ठीक है, करके आप उसको रिकमेंडेशन पूछ सकते हो आपके इन्वायरमेंट के लिए। देखो यहाँ से ये सबमिट टिकट, यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो टिकट को, ये सबमिट टिकट, ठीक है, हेल्प पोर्टल में जा सकते हो, देख सकते हो, तो ये सब है। ठीक है, तो आज के लिए यूआरएल फिल्टरिंग ये कुछ है, इसमें क्लाउड ऐप कंट्रोल पॉलिसी देखते हैं, इसमें नेक्स्ट में क्या है। अच्छा, ये क्लाउड ऐप कंट्रोल ये थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में है, तो इसको भी वीडियो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट में। तो आज के लिए इतना ही, चलिए खुश रहिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है, और क्या, अपने आपको अपडेट करिए, टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाइए, आप इम्प्रूव करेंगे तो देश भी इम्प्रूव करेगा, और कर भी रहा है। ये जय हिंद।